हेलो एवरीवन, आशा करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज की इस डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में हम सबसे पहले पढ़ेंगे हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, उसके बाद देखेंगे नाटेसा क्या है, और फिर पढ़ेंगे हम एग्जोटिक एनिमल्स के बारे में, ये क्या होते हैं और इनके इम्पोर्ट से रिलेटेड क्या रूल है हमारी कंट्री में। उसके बाद देखेंगे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में, और आखिर में हम पढ़ेंगे एजेओ नियो क्या है, इसके बारे में क्या नई डेवलपमेंट हुई है। और भी हम काफी छोटे छोटे टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को नई एजुकेशन पॉलिसी से। जो हमारी कल नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उससे शुरू करते हैं। तो इससे पहले, इस ड्राफ्ट को पढ़ने से पहले, हम पहले इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं एजुकेशन पॉलिसी की, कितनी बार पहले आ चुकी है और कब कब आई है। तो जो ये 2020 में एजुकेशन पॉलिसी आई है, ये हमारी तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है। इससे पहले भी हमारी दो एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है, एक आई थी 1986 में और उससे पहले आई थी 1968 में। तो देख लीजिए कितना बड़ा गैप है दो एजुकेशन पॉलिसी में, हम 1986 से सेम एजुकेशन सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। उस समय गवर्नमेंट कौन सी थी, वो थी कांग्रेस की गवर्नमेंट, राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने एजुकेशन पॉलिसी लाई थी लास्ट टाइम। और अब आ रही है 2020 में बीजेपी की गवर्नमेंट में, मोदी जी की गवर्नमेंट में। तो सबसे पहले क्या पता होना चाहिए आपको कि सबसे पहले क्या चेंज हुआ है, जो हमारी एचआरटी मिनिस्टर है, जो हमारे एचआरटी मिनिस्टर है, अब हम उन्हें एजुकेशन मिनिस्टर बुलाएंगे। पहले क्या हुआ था 1986 में, जो एजुकेशन मिनिस्टर थे उन्हें एचआरडी मिनिस्टर घोषित कर दिया गया था, बट अभी फिर से उसका उल्टा हो गया है, अब एचआरडी मिनिस्टर को हम एजुकेशन मिनिस्टर बुलाएंगे। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, वो है श्री रमेश पोखरियाल जी, ये है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, इन्हें पहले हम एचआरडी मिनिस्टर भी कहते थे। अब देख लेते हैं नई एजुकेशन पॉलिसी की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बहुत लंबी रिपोर्ट है, इस पर अगर वीडियो बनाने लगे तो पूरी एक घंटे की वीडियो बन सकती है, बट हमें शॉर्ट में समझाना था और बेसिक पॉइंट उठाए हमने, मेन फीचर्स। तो देखते हैं इसके बेसिक फीचर्स क्या है। सबसे पहले तो नई एजुकेशन पॉलिसी एम्स फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, मतलब क्या है इसका, मतलब है कि सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, ऐसे नहीं कि कुछ बच्चे एजुकेशन से वंचित रह जाएं। तो क्या लिखा गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल, प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल विद 100% GER, GER क्या है, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो इन schools education by 2030 तक 100% gross enrollment ratio हमें करनी है, universalization of education करना है, सबको education मिलनी चाहिए हमारी country में। और important बात इसमें report में कि जो बच्चे drop out कर चुके हैं school को, किन्हीं कारणों की वजह से छोड़ चुके हैं school को, वैसे 2 करोड़ बच्चों को हमें वापस लाना है school में, उन्हें उनकी पढ़ाई फिर से continue करवानी है, ये नई एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया है। और इम्पोर्टेंट बात एजुकेशन पॉलिसी की, ये देखिए याद रखना है आपको, तो न्यू 5+3+3+4 स्कूल करिकुलम विद 12 इयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड 3 इयर्स ऑफ आंगनवाड़ी एंड प्री स्कूलिंग। तो इसका मतलब क्या है, मेनली अभी क्या होता है हमारे सिस्टम में, अभी हम एजुकेशन सिस्टम में कैसे चलते हैं, अभी हम 10+2 वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, 10+2 वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, बट नए एजुकेशन पॉलिसी से हम क्या करेंगे, 5+3+3+4 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें क्या होगा, कैसे बांटे जाएंगे ये साल, पहले 5 में क्या है, 3 साल आंगनवाड़ी या प्री स्कूलिंग, जो स्कूल में जाने से पहले आप पढ़ाई करते हैं, मेनली आंगनवाड़ी में करते हैं रूरल एरियाज में, वो 3 साल उसको दिए जाएंगे, उसके बाद 2 साल आपकी पहली और दूसरी कक्षा, उसके बाद बाकी 3 साल ये 5वीं तक,
उसके बाद 5 और 3 हो जाएंगे 8 और 8 4 हो जाएंगे 12। तो ये सिस्टम अब से हम फॉलो करेंगे, 5 + 3 + 3 + 4। पहले क्या करते थे, 10 + 2 को फॉलो करते थे हम। तो इस नए सिस्टम से होगा क्या, पहले क्या होता था, मेनली हम बड़े बच्चों पर ज्यादा फोकस करते थे, प्री स्कूलिंग पर हमने ज्यादा फोकस नहीं किया था अपनी प्रीवियस एजुकेशन पॉलिसीज में। बट अब जो 3 साल आंगनवाड़ी को दिए जाएंगे तो इससे बच्चों का विकास होगा, वहां पर जो छोटे बच्चे हैं हम उनकी तरफ ध्यान दे पाएंगे, उनकी ग्रोथ की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे देश से रिलेटेड। इसके बाद क्या कहा गया था, नई एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया है, इट एम्फेसाइज ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन एकेडमिक स्ट्रीम, एक्स्ट्रा करिकुलर वोकेशनल स्ट्रीम इन स्कूल। ये लाइन ध्यान से पढ़िए, वोकेशनल एजुकेशन टू स्टार्ट फ्रॉम क्लास 6 विद इंटर्नशिप। अभी तक हम कई बार ये कंप्लीट करते आए हैं कि हमारी एजुकेशन में प्रैक्टिकलिटी बहुत कम है, प्रैक्टिकल नॉलेज हमें बहुत कम देता है हमारा एजुकेशन सिस्टम। बट अब क्या होगा, नई एजुकेशन पॉलिसी में इसका भी ध्यान रखा गया है, वोकेशनल एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस किया गया है, मेनली कोडिंग पर फोकस किया गया है, 6ठी क्लास से ही बच्चों को कोडिंग सिखाना चालू करने की बात कही गई है, वो विद इंटर्नशिप। इंटर्नशिप देखिए ये जरूरी है, ये हमें प्रैक्टिकल नॉलेज देगी इंटर्नशिप, तो याद रखिएगा 6ठी क्लास से इंटर्नशिप और वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट करने की बात की गई है, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पर भी ध्यान दिया गया है। उसके बाद रीजनल लैंग्वेजेस पर ज्यादा ध्यान दिया गया है, मेनली अभी कुछ समय पहले बात हो रही थी हिंदी को पूरे देश में लागू करने की, बट ऐसा कुछ यहाँ पर हुआ नहीं है, रीजनल लैंग्वेजेस की तरफ ज्यादा ध्यान दिया गया है। यहाँ क्या लिखा है, टीचिंग अप टू एटलीस्ट ग्रेड 5 टू बी इन मदर टंग, मातृभाषा या रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाएगा ग्रेड 5 तक। तो देखिए रीजनल लैंग्वेज की तरफ ज्यादा ध्यान दिया है। और क्या कहा गया है, असेसमेंट रिफॉर्म्स विद 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड ट्रैकिंग स्टूडेंट प्रोग्रेस फॉर अचीविंग लर्निंग आउटकम। तो रिपोर्ट कार्ड बनाने की बात कही गई है बच्चों की, जो कि उनकी प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाए। आगे देखते हैं क्या कहा है रिपोर्ट में, आगे कहा गया है GER इन हायर एजुकेशन। GER क्या बताया था मैंने अभी आपको, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन टू बी रेज्ड टू 50%। हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट रेशियो 50% इंक्रीज करने की बात कही गई है 2035 तक। मेनली होता क्या है, हमारे यहाँ पर बच्चे सेकेंडरी एजुकेशन तक तो पहुंच पाते हैं बट हायर एजुकेशन में नहीं जाते, मेनली ड्रॉप आउट कर जाते हैं। तो नई एजुकेशन पॉलिसी फोकस करेगी 50% रेज करने के लिए हायर एजुकेशन को 2035 तक, और 3.5 करोड़ सीट्स टू बी एडेड इन हायर एजुकेशन। अब बच्चे इंक्रीज करने हैं तो सीटें भी तो इंक्रीज करनी पड़ेगी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, वही कहा गया है यहाँ पर कि 3.5 करोड़ सीटें इंक्रीज की जाएगी हायर एजुकेशन में। तो देखिए यहाँ लिखा हायर एजुकेशन करिकुलम टू हैव फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा दी जा रही है इस एजुकेशन पॉलिसी में, बच्चों को फ्लेक्सिबिलिटी होगी उनके पास कि वो कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाह रहे हैं। जैसे कि इंजीनियरिंग का बच्चा ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट भी ले पाएगा, यही बातें कही गई हैं इसमें, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट टू बी अलाउड, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट टू बी अलाउड विद एप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशन। क्या होता था कि कई बार कुछ बच्चे उनकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स के कारण उन्हें ड्रॉप आउट करना पड़ता था, बट अगर वो फिर से पढ़ना चाहे तो उन्हें फिर से शुरू से स्टार्टिंग करनी पड़ती थी फर्स्ट ईयर से। बट अभी क्या होगा, आप बीच में भी छोड़ सकते हैं और आप फिर से आकर वहीं से अपना कंटिन्यू कर सकते हैं, और आपको इससे रिलेटेड एप्रोप्रिएट सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। और एकेडमिक बैंक
ऑफ क्रेडिट खोलने की बात हो रही है, टू फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। जो क्रेडिट की समस्या आती है मेनली बच्चों को स्कॉलरशिप वगैरह से रिलेटेड, उन्हें बैंक्स के धक्के खाने पड़ते हैं, तो उसको आसान बनाने के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट खोलने की बात कही गई है एजुकेशन पॉलिसी में। रिसर्च पर भी बहुत ज्यादा फोकस किया गया है हमारी इस पॉलिसी में। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन टू बी एस्टैब्लिश टू फोस्टर अ स्ट्रॉन्ग रिसर्च कल्चर। हमारे मेनली यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में रिसर्च सेंटर खोलने की बात कही गई है नई एजुकेशन पॉलिसी में, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। उसके बाद लाइट बट टाइट रेगुलेशन ऑफ हायर एजुकेशन, ये अच्छे से बढ़िया। सिंगल रेगुलेटर विथ फोर सेपरेट वर्टिकल्स फॉर डिफरेंट फंक्शन। अभी क्या होता है, हायर एजुकेशन का जो बोर्ड है हमारे मेनली UGC AICTE, इनको हटाने की बात कही गई है, इनको हटाया जाएगा और इनकी जगह एक नई बॉडी आएगी, सिंगल बॉडी होगी जो इन सब से ऊपर होगी, मेनली इन सबको मर्ज कर दिया जाएगा एक बॉडी में, एक सिंगल रेगुलेटर बना दिया जाएगा, इन सबके फंक्शन वही बॉडी परफॉर्म करेगी। एफिलिएशन सिस्टम की बात कही गई है, मेनली यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को ज्यादा ऑटोनोमी देने की बात कही गई है ताकि वो अपने फंक्शंस अच्छे से कर पाए और अपनी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज को अच्छे से सुधार पाए विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन देयर सिस्टम। तो आई होप आपको बेसिक आइडिया जरूर मिल गया होगा हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, जो कि है सबसे पहले यूनिवर्सलाइजेशन की बात हुई है, उसके बाद ड्रॉप आउट जो बच्चे कर चुके हैं उन्हें वापस लाने की बात कही गई है, और नया फॉर्मूला हमने अपनाया है 5+3+3+4 का, जो कि पहले था 10+2। इसमें हम 3 साल पहले के बच्चों के प्री स्कूलिंग को डेडिकेट करेंगे, मेनली छोटे बच्चों पर ध्यान दिया गया है, उनकी ग्रोथ पर ध्यान दिया गया है। वोकेशनल एजुकेशन पर फोकस किया गया है, इंटर्नशिप पर फोकस किया गया है, प्रैक्टिकल नॉलेज पर फोकस किया गया है मेनली, और रीजनल लैंग्वेजेस को बढ़ावा दिया गया है, मदर टंग को ग्रेड 5 तक मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाने की बात कही गई है, रिपोर्ट कार्ड की बात कही गई है, और हायर एजुकेशन में सीट्स इंक्रीज करने की बात कही गई है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मल्टीपल एंट्री एग्जिट टू बी अलाउड, आप बीच में छोड़ के जा सकते हो और कुछ साल बाद आने के बाद आप वहीं से शुरुआत कर सकते हो अपनी। अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट को एस्टैब्लिश करने की बात कही गई है, रिसर्च पर फोकस किया गया है और एक सिंगल रेगुलेटर बनाने की बात कही गई है, और आखिर में एफिलिएशन सिस्टम पर भी फोकस किया गया है। तो ये थी हमारी एजुकेशन पॉलिसी 2020। आई होप आपको इसके बारे में बेसिक आइडिया जरूर मिल गया होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अभी एक स्लाइड और बच गई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, इसे भी पढ़ लेते हैं, सॉरी ये छूट गई थी। तो इसमें और क्या बात कही गई है, जो नेशनल पॉलिसी है 2020 की, एडवोकेट्स इंक्रीज्ड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी विद इक्विटी। टेक्नोलॉजी विद इक्विटी, ये लाइन अच्छे से पढ़ी है, टेक्नोलॉजी विद इक्विटी। अभी कोरोना के समय में क्या हो रहा है, ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है मेनली, बट बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके पास डिवाइसेस नहीं है, जैसे कि मोबाइल या लैपटॉप, तो वो ऑनलाइन एजुकेशन नहीं ले पा रहे। तो भी इस पॉलिसी में क्या कहा गया है, टेक्नोलॉजी विद इक्विटी, कि सबको टेक्नोलॉजी नसीब होनी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए ऑनलाइन एजुकेशन। नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फॉर्म बनाने की बात कही गई है, ये याद रखना, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फॉर्म टू बी क्रिएटेड। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्फेसाइजेस सेटिंग अप जेंडर इंक्लूजन फंड और स्पेशल एजुकेशन जोन। स्पेशल एजुकेशन जोन बनाने की बात कही गई है फॉर डिसएडवांटेज रीजन एंड ग्रुप। और आखिर में ये लास्ट पॉइंट है एजुकेशन पॉलिसी का, इसके बाद आगे कोई स्लाइड नहीं होगी। तो आखिर में क्या कहा गया है कि न्यू पॉलिसी प्रमोट्स मल्टीलिंग्विज्म, किसी एक लैंग्वेज पर फोकस नहीं किया गया है, मेनली पहली बात हो रही थी
हिंदी या इंग्लिश को पूरे देश में लागू करने की, बट ऐसा कुछ नहीं किया गया है, मल्टीलिंग्विज्म को फॉलो किया गया है इन बोथ स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन। और बात की गई है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पाली, पर्शियन एंड प्राकृत, इन तीन लैंग्वेजेस को देख लीजिए, ये लैंग्वेज है पाली, पर्शियन और प्राकृत, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन टू बी सेटअप। ये चारों इंस्टीट्यूट को आपको याद रखना है। कौन कौन सी लैंग्वेज की बात की गई है? पाली, पर्शियन और प्राकृत। प्राकृत सबसे पुरानी लैंग्वेज है, सबसे पुरानी लैंग्वेज कौन सी है? प्राकृत। तो आपको ये याद रखना है ये तीन पॉइंट भी, और जो बाकी के पहले हमने पॉइंट पढ़ाए एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। अब चलते हैं हमारी अगले टॉपिक की तरफ। तो आज न्यूज थी एक कि नटेसा ऑफ राजस्थान टेंपल रिटर्न्स टू इंडिया। तो क्या है नटेसा, इसके बारे में देख लेते हैं। नटेसा एक रेयर सैंडस्टोन आइडल है, मूर्ति है सैंडस्टोन की। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में क्या है, 9th century की मूर्ति है, और कौन से स्टाइल में, आर्ट फॉर्म क्या है? प्रातिहारा स्टाइल। कौन सा स्टाइल है? प्रातिहारा स्टाइल है। और कहां का स्टाइल है? राजस्थान का स्टाइल है। क्या नाम है? प्रातिहारा स्टाइल। 9th century का आइडल था, नाम है आइडल का नटेसा। नटेसा कहां का है? राजस्थान का। न्यूज क्या थी? रिटर्निंग टू इंडिया, रिटर्निंग टू कंट्री आफ्टर 22 years। हुआ क्या था? चोरी हो गया था 22 साल पहले, मतलब कब चोरी हुआ? 1998 में ये चोरी हो गया था। अब वापस हम इसे इंडिया लेकर आ रहे हैं। अभी कहां पर है? लंदन में है, इंडियन हाई कमीशन लंदन के पास है। और ओरिजिनली कहां से था? घाटेश्वरा टेंपल है बरौली में, बरौली जगह है राजस्थान में, कोटा के पास जगह है बरौली, वहां घाटेश्वरा टेंपल है राजस्थान में, वहां का ओरिजिनल आइडल है। आइडल का नाम क्या है? नटेसा। और ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि क्या याद रखना है आपको कि 9th century का आइडल है और कौन सी आर्ट स्टाइल है? प्रातिहारा स्टाइल। ये दो चीजें याद रखनी है। और याद रखना है आइडल किस चीज का है, डिपिक्शन किसका हुआ है यहाँ पर, वो है शिवा का। शिवा का आइडल है, 4 feet का है शिवा का आइडल है, 9th century का है, और स्टाइल कौन सा है? प्रतिहारा स्टाइल। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 9th century प्रतिहारा स्टाइल। अब चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। एक न्यूज थी कि कंगारू ब्लू मकेज रेस्क्यूड इन असम। तो ये क्या रेस्क्यू किया गया है, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें क्या पढ़ना है? एक्सोटिक एनिमल्स के बारे में। ये दो एनिमल्स एक्सोटिक है इंडिया के पर्सपेक्टिव से। अब एक्सोटिक एनिमल्स क्या होते हैं, तो क्या लिखा गया है यहाँ पर, द टर्म एक्सोटिक डज नॉट हैव अ सेट डेफिनेशन बट इट यूजली रेफर्स टू अ वाइल्ड एनिमल और वन दैट इज मोर अनयूजुअल और रेयर देन नॉर्मल डोमेस्टिक पेट्स लाइक कैट्स और डॉग्स। नीचे वाली डेफिनेशन पढ़ते हैं, ये ज्यादा एक्यूरेट है। दीज आर दोज स्पीशीज विच आर नॉट यूजली नेटिव टू एन एरिया, मेनली जो हमारे इंडिया के नेटिव एनिमल्स नहीं है, जो फॉरन एनिमल्स है उन्हें हम एक्सोटिक एनिमल्स कहेंगे, एंड आर इंट्रोड्यूस्ड टू एन एरिया बाय ह्यूमंस, मेनली हम उन्हें इंपोर्ट करेंगे किसी फॉरेन कंट्री से हमारे एटमोसफेयर में, तो वो हमारे एटमोसफेयर के लिए एक्सोटिक एनिमल्स होंगे। अब जैसे कि आपको पता है कोरोना कैसे स्टार्ट हुआ, एनिमल्स से स्टार्ट हुआ था, तो इसलिए लास्ट मंथ एक एडवाइजरी जारी की गई थी एक्सोटिक एनिमल्स के इंपोर्ट से रिलेटेड। तो उसके बारे में अभी हमें पढ़ना है, उस एडवाइजरी के बारे में क्या रूल्स लिखे गए हैं नए एक्सोटिक एनिमल्स के इंपोर्ट से रिलेटेड हमारी कंट्री में। तो सबसे पहले तो एक्सोटिक स्पीशीज किने कहा गया है, एक्सोटिक लाइव स्पीशीज किने कहा गया है इस एडवाइजरी में, तो वो है जो एनिमल्स आते हैं अपेंडिक्स 1, 2 and 3 ऑफ साइट्स। क्या है? कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, ये याद रखना है आपको साइट्स क्या है, एंड डज नॉट इंक्लूड, ये देख लीजिए यहां पर क्या लिखा है, जो डेफिनेशन है एक्सोटिक लाइव स्पीसीज की एडवाइजरी में
that does not include species from the schedule of wildlife protection act, जो हमारा इंडिया का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है जो उसमें स्पीशीज है उसे ये इंक्लूड नहीं करता एक्सोटिक लाइफ स्पीशीज, बिकॉज जो हमने ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया है वो अपने एनिमल्स के लिए बनाया है, अपने नेटिव एनिमल्स के लिए बनाया है, तो जो एक्सोटिक एनिमल्स होंगे वो हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो याद रखिएगा, आपको पता चल गया होगा एक्सोटिक एनिमल्स क्या होते हैं और हमारी गवर्नमेंट कैसे डिफाइन करती है एक्सोटिक लाइव स्पीशीज को। अब देख लेते हैं क्या थी एडवाइजरी। रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री भी याद रखनी है आपको कौन सी मिनिस्ट्री ने ये एडवाइजरी जारी की है, हैज इश्यूड एडवाइजरी टू स्ट्रीमलाइन एंड फॉर्मलाइज द प्रोसेस ऑफ इंपोर्टिंग लाइव एक्सोटिक एनिमल्स। इंपोर्ट से रिलेटेड ये एडवाइजरी है। क्यों की गई है, अभी लास्ट मंथ ही एडवाइजरी आई है, क्योंकि due to the outbreak of coronavirus COVID-19 has raised global concerns about illegal wildlife trade, jo illegal wildlife trade hota hai, and zoonotic diseases. Zoonotic diseases kya hote hain, mainly jo disease animals mein originate ho rahe hain aur fir baad mein humans mein transfer ho jate hain unhe hum kehte hain zoonotic disease. Yaad rakhiyega zoonotic disease kya hote hain, जो एनिमल में ओरिजिनेट हुए और उसके बाद ह्यूमन में ट्रांसफर हो गए, जैसे कि कोरोना वायरस, सबसे बड़ा एग्जांपल अभी इसका कोरोना वायरस ही है। तो इससे बचने के लिए ये एडवाइजरी जारी की गई है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए हमारी कंट्री में कौन से एक्जोटिक एनिमल्स है और उनसे रिलेटेड हमें क्या डिजीज हो सकते हैं। तो प्रोविजन क्या लिखे गए हैं नई एडवाइजरी में, फॉर इम्पोर्ट एंड डिस्क्लोजर of exotic animal and their progeny already in India, जो उनके भाई लोग पूर्वज पहले ही आ चुके हैं इंडिया में, उनसे रिलेटेड और इम्पोर्ट से रिलेटेड एक्जोटिक एनिमल से, इनसे रिलेटेड ये एडवाइजरी जारी की गई है। तो क्या लिखा गया है ये पढ़ते हैं सबसे पहले। A person trying to import a live exotic animal will have to submit an application of grant of a license to the Director General of Foreign Trade. Director General of Foreign Trade के पास उसे एक application for grant का license जमा करवाना होगा, और ये DGFT किसके अंडर आती है, ये आती है Ministry of Commerce and Industry. Import export हो रहा है तो हम किसके अंडर आएंगे, Ministry of Commerce and Industry के अंडर। पहले क्या होता था, earlier these imports were happening through the DGFT. पहले भी ये DGFT के थ्रू ही होते थे इम्पोर्ट, जो वाइल्ड लाइफ एक्सोटिक एनिमल्स के होते थे, बट दे वर बियॉन्ड द परव्यू ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के परव्यू से बियॉन्ड थे, ये इन्हें चेक नहीं कर पाते थे और ना ही चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन्स का इनमें कोई रोल होता था, सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से ही रिलेटेड रहते थे। बट अभी क्या हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट भी अंदर आ गया है। अभी क्या करना पड़ेगा, जो इंपोर्ट करेगा एक्सोटिक स्पीशीज को उसे NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा ऑफ चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट कंसर्न अलोंग विद द एप्लीकेशन। जिस स्टेट में वो ले जा रहा होगा उस स्पीशीज को, उस स्टेट का जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होगा उनकी NOC उसे जमा करवानी पड़ेगी अभी जो इंपोर्ट करेगा। और जो जिनके पास पहले से एक्सोटिक एनिमल है उनको क्या करना पड़ेगा, दे हैव टू मेक अ डिक्लेरेशन विद इन 6 मंथ। 6 मंथ में उन्हें बताना पड़ेगा उनके पास क्या है, कौन सा एनिमल है, ये उन्हें 6 महीने में बताना पड़ेगा। अगर 6 महीने में ये डिक्लेरेशन नहीं की जाए तो क्या होगा, तो डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू प्रोवेनेंस ऑफ एनिमल विल हैव टू बी सबमिटेड। तो डॉक्यूमेंट बाद में जमा करवाने पड़ेंगे उसे, 6 महीने के बाद भी वो जमा करवा सकता है। तो ये सब लिखा हुआ है जो एडवाइजरी जारी की गई है एक्सोटिक एनिमल्स के इंपोर्ट से रिलेटेड। अब बात करते हैं सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में, क्या प्रोजेक्ट है और सेंट्रल विस्टा किसे कहते हैं, पहले इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। मेनली
सेंट्रो विस्टा के बारे में पढ़ लेते हैं, बाद में रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सेंट्रो विस्टा क्या है, करेंटली क्या है, किसे कहते हैं सेंट्रो विस्टा? वो है न्यू दिल्ली में हाउस ऑफ राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक, इंडिया गेट, नेशनल आर्काइव्स अमंग अदर्स। तो मेनली जो हमारा राजपथ है जहाँ पर परेड होती है हमारे इंडिपेंडेंस डे वाले दिन और रिपब्लिक डे वाले दिन, उसके जो आसपास की जगहें हैं जैसे कि राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, इंडिया गेट, उसे हम कहते हैं सेंट्रल विस्टा, उसे हम क्या कहते हैं सेंट्रल विस्टा। तो ये बना कब था, इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई थी वो देखते हैं। तो इन दिसंबर 1911 दिसंबर में किंग जॉर्ज V, कहाँ के किंग थे, ब्रिटेन के, क्योंकि हमारे ऊपर कौन रूल कर रहा था, ब्रिटिश रूल कर रहे थे, तो ये किंग भी वहीं की होंगी। किंग जॉर्ज V मेड एन अनाउंसमेंट इन दिल्ली दरबार, पहले दरबार लगता था दिल्ली में क्योंकि मुगल्स का कैपिटल था दिल्ली में, तो वहां दरबार लगता था। टू शिफ्ट कैपिटल ऑफ इंडिया फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। अब देख लीजिए यहाँ से एक और क्वेश्चन बन गया कि कब ब्रिटिशर ने अनाउंस किया इंडिया की कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली चेंज करने की, तो वो अनाउंस किया गया 1911 में, और किसके द्वारा, किंग जॉर्ज V के द्वारा, ये याद रखना है आपको। उसके बाद द टास्क ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू सिटी वाज गिवन टू एडविन लुटियन। एडविन लुटियन, आपने कई बार सुना होगा कि लुटियंस दिल्ली, लुटियंस दिल्ली लोग बोलते हैं, तो जो ये सेंट्रल विस्टा वाली जगह है इसे ही हम लुटियंस दिल्ली बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लुटियंस ने बनाई थी, इसका आर्किटेक्ट कौन था, लुटियंस, मेनली यूरोपियन क्लासिसिज्म के आर्किटेक्ट थे एडविन लुटियन, और एक और आर्किटेक्ट थे इनके साथ, दो आर्किटेक्ट थे मेनली, एक तो थे पहले तो एडविन लुटियन, दूसरे थे हर्बर्ट बेकर, ये साउथ अफ्रीका के आर्किटेक्ट थे। तो इन्होंने क्या क्या डिजाइन किया, हर्बर्ट बेकर यूनियन बिल्डिंग एट प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका, ये इन्होंने डिजाइन की हुई है हर्बर्ट बेकर ने, ये याद रखना इनके बारे में। तो ये बिल्डिंग भी साउथ अफ्रीका के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारे प्रेसिडेंट अभी राजभवन में रहते हैं, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट अभी उनकी सीट यहाँ पर है, यूनियन बिल्डिंग एट प्रिटोरिया। और पार्लियामेंट हाउस बिल्डिंग डिजाइन की थी दोनों ने, लुटियंस और बेकर ने। राष्ट्रपति भवन था जो हमारा, यहाँ पर हमारे राष्ट्रपति जी रहते हैं, वाज डिजाइंड बाय एडविन लुटियन। और जो हमारी नॉर्थ और साउथ ब्लॉक है, यहाँ पर पीएमओ, डिफेंस का, फाइनेंस का इनके ऑफिसेस है, वो डिजाइन किए थे हर्बर्ट बेकर ने। तो आई होप आपको एक आइडिया मिल गया होगा सेंट्रल विस्टा के बारे में और लुटियंस दिल्ली के बारे में, क्यों उसे लुटियंस दिल्ली कहते हैं हम। अब देखते हैं ये प्रोजेक्ट क्या है, सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट लिखा है यहाँ पर साफ साफ, रीडेवलपमेंट मतलब फिर से डेवलप करेंगे इस सेंट्रल विस्टा को। तो सबसे पहले कौन सी मिनिस्ट्री आएगी, तो मिनिस्ट्री है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, ये मिनिस्ट्री इस प्रोजेक्ट को संभालेगी। अब मेन पॉइंट्स क्या है इस प्रोजेक्ट के, कैसी होगी हमारी नई बिल्डिंग और क्या होगा उसमें। सबसे पहले तो कंस्ट्रक्टिंग अ ट्रायंगुलर पार्लियामेंट बिल्डिंग नेक्स्ट टू द एग्जिस्टिंग वन। अभी हमारी पार्लियामेंट बिल्डिंग कैसी है, वो है सर्कल में, एक साइड है लोकसभा, राज्यसभा और लाइब्रेरी है एक कमरे में। बट अभी क्या बात की गई है, अभी उसे ट्रायंगुलर बनाने की बात की गई है, जो नया प्रोजेक्ट बनेगा सेंट्रल विस्टा उसमें इसे ट्रायंगुलर बनाएंगे हम अपनी पार्लियामेंट बिल्डिंग को। और कंस्ट्रक्टिंग अ कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीएट, उसके बाद रिवैम्पिंग ऑफ 3 किलोमीटर लॉन्ग राजपथ, जो राजपथ है जहां पर परेड होती है इंडिपेंडेंस डे वाले दिन, उसको रिवैम्प करेंगे फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट। और नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को म्यूजियम बनाने की बात हो रही है, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को क्या बनाएंगे, म्यूजियम बनाएंगे। अब क्यों जरूरत पड़ी हमें इस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की, सेंट्रल विस्टा की, तो गवर्नमेंट क्या कहती है वो देख लेते हैं।
पार्लियामेंट बिल्डिंग्स फैसिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आर इनएडिक्वेट टू मीट द करंट डिमांड। तो आपको जैसे कि मैंने बताया कि कब बनाई गई थी, 1911 में बात हुई थी इसको बनाने की, तो तभी बनाई गई थी, 100 साल से भी ज्यादा पुरानी ये बिल्डिंग हो चुकी है अभी। तो ऑब्वियस ही बात है कि करंट फैसिलिटीज को ये नहीं दे पा रही। तो द ऑफिस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आर स्प्रेड ओवर डिफरेंट लोकेशन। अभी क्या है हमारे अभी के सेंट्रल विस्टा में इतनी ज्यादा जगह नहीं है और मिनिस्ट्रीज हमारे पास बहुत ज्यादा है, तो उनके ऑफिस इधर उधर दिल्ली में सेपरेट हो चुकी है, एक जगह पर नहीं है, अननेसेसरी ट्रेवल करना पड़ता है। अगर आपको एक मिनिस्ट्री से दूसरी में जाना है तो वो आपके आसपास नहीं है, थोड़ी दूर जाके दिल्ली में उन्हें कहीं ऑफिस दिया गया है। और मोस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग बिल्डिंग हैव आउटलिव्ड देयर स्ट्रक्चर लाइफ, मतलब अब उनकी उम्र पूरी हो चुकी है, बहुत ज्यादा पुरानी हो गई है बिल्डिंग और अर्थक्वेक प्रोन भी नहीं है। सॉरी, दिल्ली भी अर्थक्वेक प्रोन जोन में आता है। जो ये बिल्डिंग है वो हमें ज्यादा सेफ्टी प्रोवाइड नहीं कर पाती अर्थक्वेक से रिलेटेड भी, तो सेफ्टी का भी इशू आ जाता है प्रेजेंट जो सेंट्रल विस्टा है, तो इसीलिए इसे रीडेवलपमेंट करने की बात कही जा रही है। और मेन पॉइंट क्या बताया गया है, सरकार ने क्या तर्क दिया है इसे, ये जरूर पढ़ना है। द प्रपोज्ड सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट विच एनविसेज अ कॉमन सेक्रेटरियट टू हाउस ऑल 51 मिनिस्ट्रीज इन 10 बिल्डिंग। तो एक साथ 10 बिल्डिंग में सभी मिनिस्ट्री को ले आया जाएगा जो कि अभी सेपरेट है पूरी दिल्ली में, इधर उधर उनके ऑफिस है, उन सबको एक जगह पर कंबाइन किया जाएगा। और इससे होगा क्या, सबको कंबाइन करने से इट विल सेव एन एनुअल रेंट एक्सपेंडिचर ऑफ ₹1,000 करोड़। तो देखिए कितना ज्यादा रेंट बचाएंगे हम। अभी क्या है, जो मिनिस्ट्रीज सेपरेट हुई है दिल्ली में, जो उनका ऑफिस है रेंट देना पड़ता है उनको, बट जब उन्हें एक जगह पर हम बना लेंगे तो रेंट नहीं पे करना पड़ेगा। और कितना रेंट बचाएंगे हम, 1000 करोड़, देख लीजिए कितना रेंट बचाएंगे, 1000 करोड़। और एक रिपोर्ट किसने दी है, ये दी है सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ने, ये सुप्रीम कोर्ट को दी है। तो ये सभी तर्क दिए है हमारी गवर्नमेंट ने इस नए प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। आई होप आपको सेंट्रल विस्टा के बारे में पता चल गया होगा और तो क्यों जरूरी है इसे बनाना ये भी पता चल गया होगा। अब देखते हैं एक और अवार्ड के बारे में, देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज नेशनल अवार्ड फॉर एक्सलेंस। ये हर साल अवार्ड दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस द्वारा इन अर्थ सिस्टम साइंस। तो इस बार का लाइफ टाइम एक्सलेंस अवार्ड किसे मिला है, वो मिला है अशोक साहनी जी को, प्रोफेसर अशोक साहनी है, इन्हें मिला है लाइफ टाइम एक्सलेंस अवार्ड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ये याद रखना है आपको, अशोक साहनी, फॉर हिज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ जियोलॉजी वर्टिब्रेट पैलेंटोलॉजी एंड बायोस्टेटिग्राफी। बायोस्टेटिग्राफी क्या होती है मेनली, स्टेटिग्राफी क्या होती है सबसे पहले, तो इसमें हम रॉक्स की लेयर्स को स्टडी करते हैं, रॉक्स की लेयर्स को स्टडी करते हैं, बायोस्टेटिग्राफी इसी का आगे एक पार्ट है। बायोस्टेटिग्राफी में हम क्या करते हैं, हम फॉसिल की स्टडी करते हैं जो कि रॉक में होते हैं, उनसे हम रॉक की एज पता करते हैं कि ये रॉक कितना पुराना है और फॉसिल भी कितने पुराने हैं, बायोस्टेटिग्राफी में ये करते हैं। स्टेटिग्राफी क्या होती है, लेयर्स ऑफ रॉक की जब हम स्टडी करते हैं उसे कहते हैं स्टेटिग्राफी। अब एक और वर्ड है यहाँ पर, पैलेंटोलॉजी, वर्टिब्रेट पैलेंटोलॉजी। वर्टिब्रेट क्या होते हैं पहले मैंने ये देख लेते हैं, जिनके पास स्पाइनल कॉर्ड होती है, रीढ़ की हड्डी होती है जिनके पास, उन्हें कहते हैं हम वर्टिब्रेट। अब पैलेंटोलॉजी क्या होगी, Paleontology is a study of the history of life on Earth as based on fossils.
तो लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं, मेनली हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ बेस्ड ऑन जो हमें फॉसिल्स मिलते हैं। तो आई होप आपको ये पता चल गया होगा इन टर्म्स के बारे में, बायोस्टेटिग्राफी, वर्टिब्रेट पैलेंटोलॉजी के बारे में भी पता चल गया होगा। और लाइफ टाइम एक्सलेंस अवार्ड किसे मिला है, ये मिला है प्रोफेसर अशोक साहनी जी को। चलते हैं अब अगली स्लाइड की तरफ। तो एक बुक रिलीज की गई है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। बुक का नाम क्या है, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स एंड बिहेवियर एडिक्शन। सबसे पहले क्या याद रखना है, किसने रिलीज की बुक, रिलीज की गई है डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर है। किस चीज के, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, वो है अश्विनी कुमार चौबे। ये याद रखना है। मेनली बच्चे क्या करते हैं, यूनियन मिनिस्टर को तो याद कर लेते हैं, बट मिनिस्टर ऑफ स्टेट उन्हें नहीं पता होता, तो आपको पता होना चाहिए ये भी। मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है, श्री अश्विनी कुमार चौबे जी हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अभी इन्होंने क्या किया है, एक बुक लॉन्च की है, बुक रिलीज की है, ई रिलीज की है मेनली। बुक का नाम है स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस फॉर मैनेजमेंट ऑफ सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स एंड बिहेवियर एडिक्शन। एम क्या है बुक का, मेनली बुक क्यों रिलीज की गई है, बुक एम्स टू टैकल सब्सटेंस अब्यूज एंड बिहेवियर एडिक्शन इन कंट्री। तो इसके बारे में बुक है, मेनली ड्रग्स से रिलेटेड बुक है मेनली, जो उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं उनसे कैसे डील करें उसके बारे में ये बुक लिखी, बुक रिलीज की गई है। किसने रिलीज की है, हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने। कौन है हेल्थ मिनिस्टर, वो है डॉक्टर हर्षवर्धन जी। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है हेल्थ के, वो है श्री अश्विनी कुमार चौबे। अब देखते हैं एक और इम्पोर्टेंट न्यूज। पीआईबी ने न्यूज दी थी कल, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया ने, SNBN CBS डेवलप्स अ नो टच एंड पेनलेस डिवाइस फॉर नॉन इन्वेसिव स्क्रीनिंग ऑफ बिलीरुबिन लेवल इन न्यूबोर्न। तो इसमें कीवर्ड्स देखिए पहले क्या है, सबसे पहले तो ये इसके बारे में पता करना हमें क्या है, उसके बाद नो टच एंड पेनलेस। इसके बारे में तो आपको समझ आ गया होगा कि टच नहीं कर रहे हैं और पेनलेस है। डिवाइस फॉर नॉन इन्वेसिव स्क्रीनिंग ऑफ बिलीरुबिन लेवल इन न्यूबोर्न। अब आपको ये पता करना है ये दो कीवर्ड ये क्या है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं क्या होता है बिलीरुबिन क्या होता है। सबसे पहले तो इट इज अ येलोइश सब्सटेंस इन अवर ब्लड, ब्लड के अंदर होता है, कलर कैसा होता है येलोइश। और भी एक चीज है जिसका कलर येलो होता है ब्लड में, याद रखना है मैंने पढ़ाया भी था आपको, वो है प्लाज्मा। और प्लाज्मा इज ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ अवर ब्लड, इट कंप्राइजेस ऑफ 55% ऑफ ब्लड, प्लाज्मा याद रखिएगा प्लाज्मा के बारे में। बट अभी हम क्या पढ़ रहे हैं बिलीरुबिन के बारे में, तो बिलीरुबिन भी येलोइश सब्सटेंस है, ब्लड में होता है। और कब फॉर्म होता है मेनली, जब रेड ब्लड सेल्स ब्रेक डाउन तब बिलीरुबिन फॉर्म होता है येलोइश कलर का। और फिर क्या करता है, इट ट्रेवल्स थ्रू लिवर गॉल ब्लैडर एंड डाइजेस्टिव ट्रैक बिफोर बीइंग एक्सक्रीटेड। तो बाहर निकलने से पहले ये कहाँ कहाँ जाता है देख लीजिए। और कब पैदा होता है, जब हमारे रेड ब्लड सेल्स ब्रेक कर जाते हैं। तो जब भी कोई न्यू बोर्न होता है तो हमें ये लेवल चेक करना पड़ता है, हमें ये लेवल ज्यादा नहीं होना चाहिए, बिलीरुबिन बच्चों में ज्यादा नहीं होना चाहिए, रेड ब्लड सेल उसके ज्यादा नहीं ब्रेक डाउन हुए होने चाहिए, वरना उसे कई सारी डिजीज हो सकते हैं, ये खतरनाक भी हो सकता है अगर इसका लेवल ज्यादा हो जाए बच्चों में। अभी हम कैसे टेस्ट करते हैं, तो मेनली से हम ब्लड सैंपल लेते हैं बच्चे का नीडल से, जो कि ऑब्वियस सी बात है टच करना पड़ेगा बच्चे की स्किन को, और पेनलेस भी होती है, नीडल चुभती है बच्चे की। तो भी एक नया डिवाइस बनाया गया है
डिवाइस का नाम क्या है? एजीओ नियो, याद रखना है आपको, क्या नाम है? एजीओ नियो। ये डिवाइस क्या करेगा? नो टच एंड पेनलेस, ना हमें बच्चे को स्किन को टच करने की जरूरत पड़ेगी और ना ही बच्चे को पेन होगी, तो इसलिए ये डिवाइस बनाया गया है। क्या नाम है? एजीओ नियो। डिवेल्प किसने किया है? तो जो इंसान है उनका नाम है प्रोफेसर समीर के पाल एंड हिज ग्रुप। प्रोफेसर का नाम मेनली नहीं पूछेंगे, बट पूछ सकते हैं कौन से इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है। तो इंस्टीट्यूट क्या था? एस एन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज, एस एन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज, शॉर्ट फॉर्म में एस एन बी एन सी बी एस। कहाँ पर है? कोलकाता में है, सिटी ऑफ जॉय में, कोलकाता में है एस एन बी एन सी बी एस, और इट इज एन ऑटोनोमस रिसर्च इंस्टीट्यूट। वर्क किसके अंडर करता है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है ये इंस्टीट्यूट। तो आई होप आप के ये दोनों कीवर्ड्स आपको क्लियर हो गए होंगे। बिलीरुबिन क्या होता है, इसका लेवल कम होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए, एस एन बी एन सी बी एस क्या है। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, आप लोगों को बेसिक आइडिया जरूर मिल गया होगा हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, नाटेसा के बारे में, सेंट्रल विस्टा के बारे में आपको पता चल गया होगा, एक्जोटिक स्पीशीज के बारे में आपको पता चल गया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।